हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द लिटिल गर्ल चैप्टर 3 पार्ट 3। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो लड़की होती है केजिया, बहुत ज़्यादा अपने फादर से डर जाती है, उसके जो पेपर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, पेज नंबर 35। व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर्स फॉर, सी सॉब। वो थोड़ा सुबकते हुए बोलती कि फादर्स, गॉड फादर्स क्यों बनाते हैं। हियर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। अब उसकी जो दादी है वो बोलती है कि ये हैंकी लो, तुम्हारी नोज है वो ब्लो कर रही है, इसे साफ करो। गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। और तुम अब सो जाओ, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। और वो कहती है कि मैं फादर को एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे, अपसेट थे कि वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, परंतु बच्चे हैं वो कभी नहीं भूलते हैं, और ऐसा ही केजिया नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स। नेक्स्ट डे वो अपने फादर के सामने जाती है और अपने दोनों हाथों को पीछे करके और उनके सामने खड़ी हो जाती है, और उस टाइम उसके अपने फादर से डरती रहती है, इसलिए उसके जो चीक्स है वो रेड हो जाते हैं। स्टेंजा 9, द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब जो ये केजिया है, इन्हीं के नेक्स्ट डोर में एक और ट्राइब रहता है, कोई फैमिली रहती है मैकडोनल्ड्स। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनको 5 चिल्ड्रन हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फैंस, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग मीन्स ए चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनोदर, एक दूसरे पकड़ कर कोई गेम खेलते हैं। तो उसका जो फादर है वो उनके साथ खेलता रहता है, और ये जो हाउस है ये थोड़ी सी गैप में ही है केजिया के हाउस से। द फादर वॉज द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, टू लिटल गर्ल्स हैंगिंग ऑन इट्स कोट्स पॉकेट्स रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। और वो उसके जो फादर हैं वो खेलते रहते हैं, कुछ बच्चे उनके हैंड्स पे गर्ल्स हैंगिंग करते रहते हैं और पॉकेट वगैरह को पकड़ते रहते हैं और हंसते खेलते रहते हैं और उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। वन सी सा द बॉयज टर्न द हॉर्स, हॉर्स मीन्स फ्लो, कुछ चीज़ को फेंकना, ऑन हिम एंड ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और किसी चीज़ को एक दूसरे तरफ फेंकते हैं फिर पकड़ने के लिए हंसते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइड देर वॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसने डिसाइड किया कि सभी फादर एक जैसे नहीं होते हैं। उसको पहले ऐसा लगता था कि सब फादर ऐसे गुस्से वाले होते हैं, बट इस जो मैकडोनल्ड्स फैमिली है इसको देख कर उसको लग गया कि सब फादर एक जैसे नहीं होते। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वैन टू हॉस्पिटल। एक दिन अचानक क्या होता है, केजिया की मदर है वो बीमार हो जाती है और उसकी ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल उनके साथ जाना पड़ता है। द लिटल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिक द कुक, एक एलिस नाम की कुक होती है, उसके साथ अब केजिया को घर पे रहना होता है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, अब उसका जो दिन का टाइम था वो तो निकल जाता है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस उसको छोड़कर बेड के ऊपर सुलाती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वॉट डू यू हैव ए नाइट मेयर, अब वो सोचती है कि कहीं मुझे नाइट मेयर मतलब है बैड ड्रीम, बुरे सपने ना आ जाए, क्योंकि वो आज अकेली थी। सी आस्क्ड, उसने पूछा, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। और वो अपने आप से थोड़ा सा विस्पर करके फुसफुसा के बोलती है कि जब काफ़ी बार मुझे नाइट्स में बैड ड्रीम्स आते तो मेरी जो ग्रैनी थी वो मुझे अपने बेड से ले जाकर अपने पास सुला लेती, क्योंकि मुझे डार्क अंधेरे से बहुत डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस, एलिस ने कहा कि बच्ची तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, अपनी सॉक्स उतारो एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर फा, अब डरने की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने ज़्यादा आवाज़ की तो तुम्हारे जो फादर हैं वो उठ जाएंगे।
बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम द बुचर विद ए नाइफ एंड ए रॉप हु कैम नियर ईयर एंड नियर एंड स्माइलिंग एंड ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंड मा ग्रैंड मा। अब क्या होता है कि जैसे ही वो सोने लगती है तो उसको नाइट मेयर जो बैड ड्रीम्स है वो आने लगते हैं। उसमें एक बुचर होता है, बुचर मतलब जो ये सब खून खराबे का काम करता है जिसको हिंदी में कसाई कहा जाता है, वो उसकी तरफ नाइफ लेकर और एक रस्सी लेकर आता है और वो धीरे धीरे उसके पास आता है और एक बहुत ही डरावनी स्माइल भी करता है। और सिर्फ वो क्या कर, वो वहीं पे सिर्फ मूव कर नहीं कर पाती, एक जगह पे खड़ी रह जाती है और चिल्लाती रहती है कि ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वॉक शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कोल्ड ठंड से कांपते हुए, टू सी फादर बिसाइड हर बेड ए कैंडल इन हिज हैंड। देखती कि उसके फादर है, अब उसकी मदर वो कोई नहीं है, लेकिन अब उसके फादर उसकी आवाज़ सुनकर आ जाते हैं और उनके बेड के पास एक कैंडल लेकर खड़े होते हैं। व्हाट इज़ द मैटर ही सैड, उसने कहा क्या बात है। ओ ए बुचर ए नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, उसने कहा कि देखो एक कोई बुचर है और उसके हाथ में नाइफ है, मुझे तो ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल बैंड डाउन एंड कॉच अप द चाइल्ड इन हिज हार्म। अब जो केजिया के फादर थे वो उसको अपने हाथों में ले जाते हैं अपने आर्म में, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू हिज बेडरूम, और अपने बेडरूम में ले जाते हैं। ए न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड के ऊपर न्यूज़ पेपर होता है। ही पुट अवे द पेपर, पेपर को हटा देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्चे को वहाँ पे कवर अप नाइसली इन बेड, मतलब बेड के ऊपर अच्छे से लिटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और खुद अपने बाजू में लेट जाते हैं केजिया के बाजू में। हाफ स्लीप स्टिल्स Still with the butcher smiles all about her, it seems she crept close to him, snugged. Snugged means love, hug करते हुए, her head under his arm, held tightly to his shirt. अब वो फिर से सपना देखती है कि उसको butcher की smile है, वो याद आती है तो वो अपने father के साथ tightly attached होकर सो जाती है. Then the dark did not matter, she lay still. अब उसके लिए वो डार्कनेस इतना मैटर नहीं करती क्योंकि उसके फादर उसके पास रहते हैं। हर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, अब उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें शायद कोल्ड हो रहा है, कोल्ड लग रहा है, इसलिए तुम क्या करो मेरे जो लेग्स हैं उनके साथ अपने लेग को रब करो जिससे ये थोड़े वार्म हो जाए, गर्म हो जाए। टाइड आउट ही स्लिप्ड बिफोर द लिटल गर्ल, एक फनी फीलिंग्स कैम ओवर हर, एक सोने से पहले उसको एक फ़नी फीलिंग्स आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, वो सोचती कि मैं जिस तरह से मेरे फादर को एक जाइंट समझती थी, बहुत बड़ा मतलब बड़ी बॉडी वाला, वो वैसे नहीं थे, ये सिर्फ मेरी सोच थी। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, हाँ वो थोड़े से हार्डर हैं, सॉफ्ट नहीं है मेरी ग्रैंड मदर के बजाय, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू द ट्राई टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, और हो सकता है मेरे फादर जो मिस्टर मैकडोनल्ड अपने फैमिली के साथ खेलते उतना मेरे फादर टाइम नहीं दे पाते, शायद मेरे फादर ज़्यादा हार्ड वर्क करते। सी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, सी स्टेड सडनली एंड साइंस, और मैंने लास्ट नाइट उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर दिया था। सो एंड वॉट इज़ मैटर, अब वो इस तरह से एंड साइंस मतलब वो थोड़ा सा आहें भरते हुए करवट लेती है। वॉट इज़ मैटर, उसके फादर पूछते क्या हुआ। आस्क हर फादर अनोदर ड्रीम, क्या तुमने फिर से कोई सपना देखा। ओ सेड द लिटल गर्ल माई हैड इज़ ऑन योर हार्ट, और कहती है कि मेरा हेड है वो आपके हार्ट के ऊपर था, मतलब वो अपने फादर के सीने के ऊपर सो रही थी। आई कैन हियर इट गोइंग, वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गोट फादर डियर, कि आपका दिल कितना बड़ा है। अब वो सोचती कि मेरे फादर है वो दिल के बुरे नहीं है, वो सिर्फ बोलने के लिए ही ऐसे थे जबकि दिल के बुरे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वो अपने फादर की इनर वॉइस है वो सुन सकती है, जब उनके सीने के ऊपर सर रख कर सुन रही है, उनकी जो हार्ट बीट है उनसे पता कर सकती है कि मेरे फादर है वो दिल के बुरे नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, लेसन कम्प्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।